कैसे हो भाई साहब? गर्मियां भी आ गई और एसी खरीदने की फीलिंग भी आ गई, लेकिन रुक जाओ, मेरी बात सुन के जाना, तभी खरीदने जाना है एसी। सबसे पहले कितने टन का एसी ले? देखो वैसे तो 100-120 स्क्वायर फीट का यदि एरिया होता है तो एक टन का एसी मस्त करके ठंडा कर देता है, लेकिन कुछ फैक्टर है। एक तो वहां पे सूरज वूरज ज्यादा ना आता हो या टॉप फ्लोर पे ना हो, क्योंकि वहां पे सूरज ज्यादा आता है तो ऐसे में आपको 1.5 टन का लेना पड़ेगा या 2 टन का लेना पड़ेगा उसी हिसाब से। और कमरे में 4 लोग हैं तो ठीक है, अब ऐसा नहीं है 10-15-20 उसी में लोट गए, क्योंकि लोगों में से भी हीट निकलते तो 1 टन का थूक देगा तुम्हारे मुंह पे। अब स्प्लिट एसी लेना है कि विंडो एसी लेना है? देखो दोनों की कूलिंग में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि विंडो एसी में वो दीवार तोड़वानी पड़ती है फिर उसमें घुसेड़ो एसी, लेकिन जो स्प्लिट एसी होता है उसे घर में कहीं भी टांग दो और उसका जो आउटर है उसे कहीं भी बाहर लगा दो। तो बस ये लगाने की कंपैटिबिलिटी है, यदि तुम्हारे घर में दीवार है और तोड़वा सकते हो तो आप विंडो एसी लगवा लो, जो भी दोनों में से सस्ता पड़े उस हिसाब से लगवा लो। लेकिन ध्यान रखना, एक तो कॉपर कॉयल वाला लेना, एल्यूमिनियम कॉयल भी आता है वो सुसरा कम ठंडा करता है, कॉपर कॉयल लोगे तो वो ज्यादा मस्त करके ठंडा करता है। और स्टार रेटिंग जरूर समझना, अगर 5 स्टार ले सकते हो तो बढ़िया ही है, नहीं कम से कम 3 स्टार रेटिंग तो ले ही लेना, और उससे सस्ता 2 स्टार 1 स्टार भी मिलता है ले मत लेना, वो बिजली खाता नहीं है, वो बिजली पीता है और फिर और मांगेगा। दूसरों इतने का तो एसी नहीं पड़ा, इतने का बिल भरोगे तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं वीडियो बनाते हुए भूल गया था, अभी याद आई है। एक आता है इन्वर्टर एसी, आता है एक नॉन इन्वर्टर एसी। देखो इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं है बिना लाइट के चल जाता है, ना ना ना, इन्वर्टर एसी में उस कंप्रेसर जो होता है वो चलता है या फिर स्लो होता है, बंद नहीं होता है। मतलब आप एक कूलिंग आपने सेट कर दी तो जब कूलिंग के लेवल तक पहुंच जाती है तो वो कंप्रेसर को स्लो कर देता है, और जब ज्यादा कूलिंग करनी है तो उसे तेज कर देता है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है या तो वो चलता है उसका कंप्रेसर या फिर बंद हो जाता है, तो ऐसे में वो बिजली ज्यादा खाता है, क्योंकि जब कमरे का जो कूलिंग बढ़ानी होगी तो कंप्रेसर एकदम से ऑन होगा, और ऑन होते ही जो ज्यादा बिजली खाता है, तो ऐसे ही जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो बिजली बहुत खाता है सुसरा, तो इसलिए इन्वर्टर एसी ले लो, उससे बिजली बचती है। एक आता है पोर्टेबल एसी, वो लेना नहीं है, महाबकवास है। पोर्टेबल के नाम पे घंटा है, फिर भी एक खिड़की चाहिए होती है जहां पे उसे घुसेड़ना है, तो जहां भी उसे लेके जाओगे वहां पे एक बड़ा छेद चाहिए आपको, भाई घंटा पोर्टेबल है, वो पैसे बर्बाद दिए, वो बिल्कुल मत ले लेना। साथ में स्मार्ट एसी भी आता है, वो भी नहीं लेना। स्मार्ट एसी के 3-4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं तुमसे, करता वो कुछ नहीं है, 1000-1200 रुपए का, बल्कि 600 रुपए का भी आता है कि स्मार्ट सॉकेट आता है उसमें लगा दो बन गया स्मार्ट। और साथ में आजकल प्योरीफायर में नहीं, और साथ में आजकल एसी में आपको बहुत सारे फीचर दे रहे हैं, जैसे कि एयर प्योरीफायर दे रहा है या फिर खुशबू दे रहा है या महक जाओगे, अब ये सब मत लेना, ये सब पैसे की बर्बादी है। एक बढ़िया सा ठंडा करने के लिए आप एसी ले लो, जो मैंने बताया इन बातों का ध्यान रख लो। और यदि तुम स्मार्ट एसी या एयर प्योरीफायर या महकता हुआ एसी लेना चाहते हो तो आ